सर छोटू राम जी का किस्सा शुरू हुआ। अब क्या के पहले जमाने और आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले सजनों सब सादे लोग हुआ करते, सादा रहन सहन खान पान सब कुछ सादा। ये बच्चा लक्ष्य कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ऐसे ही छोटू राम जी पढ़ने के लिए बताते हैं कि शहर से 10-12 मील दूर झज्जर जिला पढ़ता था, उसमें पढ़ने के लिए एक मिडिल स्कूल में जा करते, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, पैदल जाना और पैदल आना, कितनी मेहनत करा करते पढ़ने में। कैसे दूसरी बात में कवि ने क्या बता भला, क्या लिख दिया, सवारी है मोटर लारी रे पैदल आया करते के पढ़न मंदर से झज्जर ताही पैदल जा करते, ना कोई सवारी मोटर लारी पैदल आया करते, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, सवारी का कोई साधन नहीं, पैदल रास्ते से जाते हो पैदल आते, कितनी मेहनत करी पढ़ने में, कैसे क्या उनकी दिनचर्या बताई पहली कली में, क्या बता दिया बोला। अरे 4 बजे सी उठ सवेरे उसको नहाना पड़ता था, नहा धो के फिर मात पिता को शीस झुकाना पड़ता था, कच्चा रास्ता झज्जर ताही पैदल जाना पड़ता था, ठीक टेम पे गुरुजनों का रे हुक्म बजाना पड़ता था, करे
भाई बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी, बहुत मेहनत करते हैं। मंजीत सुहाग जी मेहर सिंह समिति बरोना से पहले भी मान सम्मान किया, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और हमारे आदरणीय मास्टर जी जगवीर सिंह फौजी खेड़ी जट से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। ये होती है मेहनत। छोटू राम जी रोज आना, टाइम पे स्कूल जाना और टाइम पे आना। आजकल पढ़ने में, पहले पढ़ने में बहुत धरती आसमान का अंतर है। आज तो बच्चा घर से बाहर जब निकलेगा, जब गाड़ी में पाँव टेक ले है, और वो पैदल जाना और पैदल आना, मेहनत से पढ़ना, कदे टाइम से लेट नहीं हुए। और फिर ऊपर मात पिता की शिक्षा भी ऐसी होती है कि आधी पढ़ाई तो बालक घर में ही पढ़ जाए। अगर माँ बाप शिक्षित हैं, अच्छा संस्कार बच्चे को मिले, तो आधी पढ़ाई घर में ही पढ़ जाए। कैसी मात पिता की क्या शिक्षा होती थी, क्या बता दूसरी बात में। रास्ते ना जाइए बेटा, अपने धर्म पे रहना। जे कोई विपता पड़े शीश पे, हंसते हंसते सहना। किसे के धन कम है, किसे के ज्यादा, यू अपना अपना लहना। छोड़ दूसरे अपनी थाली, छोड़ दूसरी में नहीं लखाया करते। से मान सम्मान करते हैं, पहलवान जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद, धन्यवाद। शिक्षा, शिक्षा जो है कर्म से आती है। ये मां सरस्वती जिसको देती है, ये वैसी चीज नहीं, ठाई नहीं, बगा दी नहीं, मिलगी ऊपर से। जो मात पिता का, गुरुओं का सम्मान करेगा, माँ सरस्वती की कृपा भी उस पर रहती है, उसी को ज्ञान मिलता है। और ना तो न्यू तो घने खरे बैग टांगे हैं खावे पर, स्कूल में दाना स्कूल में आना, न्यू इस समय गुजर जा है, कदे कुछ कोई ना आवे, ABCD तक भी कोई ना आती, सब माँ सरस्वती की कृपा है। और गुरुओं का सम्मान सत्कार जो करेगा, उसी पर उसकी मेहर रहती है। कैसे तीसरी कली में क्या बता भला।
जय नारायण सिंह, सनोप सुल्तान सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये रे गुरु जनों का हुक्म सिर माथे, गुरु जनों का हुक्म सिर माथे, जब शिक्षा आती है एक ठिकाने चित में रखे, जब शिक्षा आती है जो नाम जपेगा सरस्वती का, जब शिक्षा आती है और चीज बट जा भैया में, पर ना शिक्षा बट पाती है, और चीज बट जा भैया में, सरस्वती के चरणा के मां शीश झुकाया करते, सारी चीज जब मानस परिवार अलग अलग होया करें, अगर 4 भाई हैं तो कदे ना कदे अलग जरूर होंगे, घर की जितनी भी चीज होंगी सारी बट जाए, और आखिर यहां तक कि अब तो इसे इसे बंटवारे लाग गए लगन के मात पिता ने भी बांट दे हैं। अगर बाप एक लड़के की तरफ रहेगा तो मां दूसरे की तरफ रहेगी, इसे इसे बंटवारे हो गए, लेकिन ज्ञान शिक्षा ऐसी चीज है कि उसे दूसरा भी नहीं बटवा सकता, भाई भी को ना बटवावे, सारी चीज बट जा लेकिन ज्ञान और शिक्षा कोई नहीं बटवा सकता। यह चीज एक ऐसी है कि इंसान ने जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको फैला तो सकता है, कितना ही फैला लो कितना ही बांट दो, लेकिन न्यू क्यों ना बटे कि भाई एक मानस ने नौकरी पाली और वो अलग होगा, वो दूसरे भाई ने कोई ना दे, अगर उसने मिली है तो वो है उसका फल, वो है वो कहेगा कैसे। आखिर में कवि ने क्या बता बोला, सतीश पहलवान जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद, और हमारे खेड़ी जट गांव के सरपंच साहब अभिमन्यु जी 100 रुपए से सरपंच साहब मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कहे जगबीर सिंह खेड़ी जटिया, जगबीर सिंह खेड़ी जटिया, तू सुकरम का फल बोजा, अड़कस नींद मरद ने खोए, एक दे भूल में सो जा, दुख भोगे सुख हुआ करे से वह कहावत हो जा, ना धोके गंगा जमुना में तेरे बीज गुठल के खो जा, सरस्वती में दाग जिगर के धो जा, अपने ते हीने बंदे में मन ही सताया करते,
श्री आनंद सिंह जी छत्तीसगढ़ से 200 पहले 100 और 300 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद।